जय श्री राम आप सभी को। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। पूरे भारत वासियों को जय श्री राम, बहुत बहुत बधाई हो गाइस। हमारा बहुत बड़ा बहुत बड़ी चीज़ सेलिब्रेट हम लोग कर रहे हैं आज के दिन 22 जनवरी। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ हो। और आज हम व्लॉग स्टार्ट करेंगे अपना मेकअप लुक। और यस, आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर विद यू माई मेकअप लुक। और आप कह सकते हैं कि पार्टी वेयर, जैसे अभी शादियां आ रही हैं तो उसका हम मेकअप लुक कह सकते हैं। और आज खुशी के लिए हम लोग मेकअप भी कर सकते हैं। जय श्री राम करते हैं दिए जला के घर पे। और आई होप आप लोग भी अपने घर पे सेलिब्रेट कर रहे होंगे, आज का बहुत बड़ा दिन है और इन्जॉय करेंगे और अपने घर पे पूजा आरती करेंगे। गाइस, मेन चीज़ है पूजा आरती करना, तो आज हम बहुत अच्छे से पूजा आरती करेंगे। ठीक है, हमें पहले अपने हेयर बना लेने होते हैं। तो यस, व्हाट आई गोना डू, आई जस्ट टेक लो। आवर फर्स्ट स्टेप इज, बहुत इम्पॉर्टेंट है, गुलाब जल या फिर टोनर। आप कोई सा भी टोनर यूज कर सकते हो एज अ टोनर गुलाब जल। और हम जो नेक्स्ट स्टेप यूज करेंगे गाइस, अब हम ये नेक्स्ट स्टेप यूज करेंगे मॉइस्चराइजर। अभी मुझे बाहर तो जाना नहीं है, तो फिर यस, तो मॉइस्चराइजर मैं यूज़ कर रही हूँ जॉय का फ्रेश हाइड्रा फ्रेश। काफ़ी बढ़िया है इसका और खुशबू तो क्लासी है, नेक्स्ट लेवल खुशबू है इसकी। इसको हम लोग मॉइस्चराइजर इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारा जो मेकअप है वो एकदम मतलब सेट हो जाए। और ये मॉइस्चराइजर ना आई थिंक की बेस्ट मॉइस्चराइजर है। तो आज हम करने वाले हैं कियारा एडवानी लुक। सो एंड अब हम सनस्क्रीन तो नहीं लगाऊंगी मैं, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली बाहर तो नहीं जाना है, नॉर्मल मेकअप व्लॉग कर रही हूँ तो ऑब्वियसली। और जो हम जो चीज़ें लगाते हैं ना, मेक श्योर कि वो हम अपने नेक में भी अप्लाई करें। मॉम्स कोका अंडर आई क्रीम ख़त्म हुआ है तो हम उसकी जगह वैसलिन। ओह माय गॉड, ठंड में यार गाइस थोड़ा सा भी लग जा रही है ना, बहुत दुख हो रहा है। तो हम अभी वैसलिन यूज़ ले लेंगे, वैसलिन यूज़ कर लेंगे अपने अंडर आई क्रीम के लिए। ठीक है, हमारा जब हम कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं ना अपने अंडर आई क्रीम में, मेक श्योर कि हम उसके अच्छे से अपनी आँखों की मसाज करें। और गाइस, अगर आप लोगों को लेंस वगैरह पहनना हो जिनकी मेरी तरह आंखें कमज़ोर हो, तो प्लीज़ आप लोग लेंस पहन लीजिए और फिर आ जाइए मेकअप करने के लिए, बैठ जाइए मेरे साथ, वन बाय वन मेकअप स्टेप फॉलो करें। ठीक है, फिर से आप नहीं तो स्टार्ट कर सकते हो। अगर अभी भी आपको मन कर रहा है मेरे को देख करके मेकअप करने का, तो प्लीज़ आप भी आके बैठिए और वो खूब इंजॉय करते हैं। तो अभी मैंने ड्राई मैं मैंने वैसलिन लगा लिया ताकि प्राइमर। सो प्राइमर मैं यूज़ करूँगी स्विस ब्यूटी का, ये काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है, तो आप अपने हिसाब से लगा सकती हो क्योंकि आज तो मैं हैवी मेकअप करने वाली हूँ, तो थोड़ा सारी चीज़ें मैं ज़्यादा ज़्यादा यूज़ करने वाली हूँ। फाउंडेशन और मैं हाइलाइटर, ये दोनों चीज़ कॉम्बो कंबाइन करके लूँगी। फाउंडेशन है मेरा फिट मी का, तो मैं ना हाथ में रख के अप्लाई करती हूँ हमेशा, उससे उससे कुछ होता नहीं है, मेजरमेंट मुझे पता चल जाता है कितना काम है। ओह माय गॉड, ये मेरा हाइलाइटर और फाउंडेशन है। अब मैं इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर मैं ब्लेंड करूँगी गाइस। और ये मेरा मार्स का ब्रश है, तो हम इसका ब्रश लेंगे। अगर आप लोगों के पास ब्लेंडर भी है ना, तो ब्लेंडर भी काफ़ी अच्छा काम करता है, बट मुझे था कि मुझे ना ब्रश से यूज़ करके चेक करना है, तो ब्रश काफ़ी अच्छा है।
मज़ा आता है, वो नहीं करते मेकअप आर्टिस्ट लोग, तो उनको देख करके बहुत मन करता है। तो इतना ले लेंगे हम अपनी आईज के लिए, इनको ऐसे पकड़ेंगे और अपनी आईज के ऊपर लगा लेंगे, ठीक है। मेक श्योर कि आपको अच्छी अमाउंट लगानी है, कंजूसी नहीं करनी है, ठीक है। अगर आपको रेडी हो रहे हो तो अच्छे से रेडी होना है। अब हम इसको ना अच्छे से हल्के हाथों से ना ब्लेंड ऐसे ऐसे ब्लेंड कर लेंगे, ठीक है गाइस। पार्टी वेयर के लिए ये वाला, ये बहुत यू नो, हम लोग दिन में जो भी हम लोग आउटफिट्स पहनते तो उसमें हम इसको यूज़ करते, जैसे हल्दी के लिए है, मेहंदी के लिए है, ये टिक्किस के है, पूरा दिखने लग गया। हम इसको ऐसे ना बिल्कुल ऐसे, और इसमें ना कंजूसी मत करना, ऐसे ऐसे मत निकालना, ठीक है। पूरा अच्छे से निकालना, बाय द वे मुझे भी नहीं आता है, बट स्टिल अगर मैं कहीं मैं गलत कर रही हूँ ना गाइस, तो प्लीज़ मुझे ना बता देना, दी ऐसे नहीं करते ऐसे करते हैं, क्योंकि मैं भी सीख रही हूँ। और ये देखिए गाइस, ठीक है ठीक है। अब हम यूज़ करेंगे डार्क वाला शेड, खूब अच्छे से ले लेंगे, खूब अच्छे से। आई डोंट नो, मुझे यही दो आई शेडो बहुत अच्छे लगता है, यू नो ऑल टाइम फेवरेट है मुझे को ना लाइट शेड, ये वाले शेड अच्छे लगते हैं। हम लोग ना शादियों के लिए भी तैयारी करेंगे, यू नो हमें सुंदर दिखना है गाइस, हर लड़के का सपना होता है शादी में सुंदर दिखे, वो सब उसे देखे, यू नो तो सेम सपने मेरे भी है, शादी में सुंदर दिखना है। तो यस, हम साथ में बनाएंगे, ठीक है, मेकअप साथ में, ठीक है। और ये वाला बट ये वाला दिख नहीं रहा ना, ये वाला शेड लेते हैं। मैंने तो ये वाला बहुत ज्यादा यूज कर लिया, काफी गाइस, मैं इतने लंबे टाइम से ना गलत यूज कर रही थी, दिखाती हूँ। अब हम इसको अपनी आईज आईब्रोज के यू नो साइड में लगा लेंगे, हाइलाइटर ऐसे ऐसे ऐसे। हम इसमें एक कलर करेक्टर अपनी अंडर आई क्रीम अंडर आई के लिए लेंगे, ताकि हमारी अंडर आई यू नो ज़्यादा डार्क और केकी और यू नो गंदी ना लगे, एकदम नेचुरल लगे, तो इसीलिए। मेरे तो ये भी खत्म हो गया यार। ब्रश ब्रश हम कंसीलर वाला ब्रश बिल्कुल अलग है, वाइक्स का कंसीलर जो बहुत अच्छी कवरेज देता है डेफिनेटली, तो आई से मस्ट बाय भी नहीं, मेबलिन का कंसीलर भी काफ़ी अच्छा है गाइस, आप मेबलिन का कंसीलर भी ले सकते हैं। और ये बहुत हमने यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर चीक्स में आएंगे, क्योंकि चीक्स में बहुत एकदम से रेड हो जाता है, तो वो चीज़ बहुत गंदी होके आती है। ऐसे हल्के 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 हाथों से करेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी हमको ऐसे वो गंदा सा नहीं करना है, मतलब एकदम से वहाँ पे भी शो हो जाए करके। मस्कारा है और लाइनर है, आपको पूरा सेटिंग स्प्रे करने के बाद अपने फेस में अप्लाई करनी है, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, और लिपस्टिक भी, क्योंकि अगर आप पहले यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली चांसेस है कि ये कहीं बह करके आपकी आंखों के नीचे ना टपक रहा हो, ऐसी चीज़ें होती हैं, मेरे साथ बहुत हुआ है ये वाला चीज़, तो प्लीज़ अवॉइड दिस। सेट कर लेना है, करके बताओ किस किस के ना ये सर में पोनी बांधने से सर दर्द होने लग जाता। मेरा सर ना ऐसे ऐसे दुख रहा था लिटरली, मैंने बोला ये क्या हो गया, तो मुझे याद आया जब मैंने सर बंद बांधा है अपना, तो अब बहुत दिक्कत हो रही है, तो हम खोल देते अपना सर।
मैं तो समटाइम लिप लाइनर से ही लिपस्टिक लगा लेती हूँ, जैसे अभी सुंदर नारी में एक बहुत खूबसूरत चीज़ है, वो है सुंदर सी बिंदी, एक प्यारी सी वाइट बिंदी बिल्कुल ही, और एक साइड के बाल ऐसे आगे कर लेने आपको, ठीक है? ओ माय गॉड मेरे बाल। और फिर उसके बाद आपको एक और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट काम करना है, वो इम्पोर्टेंट काम बताओ मैं क्या है। काम है आपको ऐसे स्टॉल लेना है कोई भी अपने घर का, और फिर इसको ऐसे पहन लेना है, ऐसे पहन लेना है, और उसके बाद आपको ऐसे अपना कैमरा ऑन करना है और ऐसे अपने आपको शो करना है कैमरा में, प्रेटी गॉर्जियस गर्ल। कैसी लग रही हूँ गाइस, मुझे कमेंट करके बताओ। सो